Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उन्हें। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से, ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं, ये आप देख लीजिए आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू, आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। सर, जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमैच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी, वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कनाडा में विपक्ष के नेता एंड्रयू शीर ने उसी संसद में ट्रूडो से सवाल पूछे हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। शीर ने ट्रूडो से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने एशियाई शक्ति से पंगा लिया है। शीर से पहले एक और विपक्षी नेता पीरे ने भी ट्रूडो को घेरा था। शीर ने ट्रूडो पर जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से उन्हें काफी सराहा जा रहा है। एंड्रयू शीर ने बिना सबूत के भारत के खिलाफ साजिश की बातों के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की आलोचना की है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के हाल में संसदीय सत्र में विपक्षी नेता ने ट्रूडो से सवाल पूछा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की सबसे बड़ी शक्ति भारत के साथ संबंधों में खटास लाने में कामयाबी कैसे हासिल कर ली। शीर ने ट्रूडो से ऐसे विचित्र दावे करने से पहले ठोस सबूत प्रदान करने का आग्रह किया है। शीर ने संसद में ट्रूडो पर निशाना साधा और सामने बैठकर ट्रूडो को खरी खरी सुना दी। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, ऐलानिया बता रहा हूँ, हम कामयाब हो चुके हैं, भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूँ और मैं जी। और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं जो अल्फाज हैं जी। कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उन्हें, और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं, ये आप देख लीजिए आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू, आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया में दो मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं, पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री हीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये पांच अलग अलग दर्जे के लोग हैं, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन यानी कि एक शहरी का, एक वहां का
सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कैनेडा ने, और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं, दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं, और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल, तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, और कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्ला अखुंदजाद हैं पाकिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था इमारत इस्लामिया पाकिस्तान, जो जो भी उनको आप कह लीजिए क्या औहदा क्या है, वो वाजे अलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल हमको तुम्हारी मदद तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब हाँ साहब ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है, ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन कनाडा ने तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना, मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है, हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूँ कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बराबरी के रिश्ते होते हैं चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, बिल्कुल, उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी, वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर दी, बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में वो भारत के होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, जो कोर्सेज हैं जो कोर्स फीस है वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना 8 गुना 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं, ज्यादा ज्यादा दे 50-50 लाख भारतीय रुपया, आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी, वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद आपको और घसीटेंगे उसके बाद। लो जी दोस्तों वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा कि कनाडा की पार्लियामेंट से आवाजें आ रही हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो है इसने क्या पंगा लिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इमर्जिंग पावर इंडिया से, यार अब देखा अब कनाडा के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई कि भाई इनका दिमाग ख़राब था, भाई इन्होंने इंडिया से पंगा ले लिया, अब मेरा ख्याल है कि वो बैकफुट पर चला जाएगा जस्टिन ट्रूडो, और उसको समझ आ जाएगी कि इंडिया के साथ पंगा लेना उसके मफाद में नहीं था, तो जैसे वो सरदार जी कह रहे हैं इंडिया ने कनाडा का ना जो सार है वो रेत के अंदर दबा दिया और उनको निकलने की मोहलत नहीं मिल रही, अब ये माफ़ी मांगेंगे फिर बात आगे बढ़ेगी, यार बड़ी बात है, मैं कहता हूँ पावर तो इंडिया में है ना, पावर दिखा रहा है, और ये पावर ऐसे नहीं बनी, इसके लिए इंडिया ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है, इतनी अच्छी इकॉनमी बनी है, वर्ल्ड की इमर्जिंग पावर बनी है, तो इस वजह से अब जो दूसरे देश हैं वो इंडिया के बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं यार एक न्यूज़ सुन रहा था कि ये जो जितने भी सबूत हैं जो कत्ल हुआ है सरदार जी, तो उनको उनके जो कत्ल के सबूत हैं वो जी इंडिया के ख़िलाफ़ अमेरिका ने दिए हैं, अब इसमें कितनी हकीकत है ये अब आप ही बता सकते हैं, अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज हो, बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिए।